Today in this video, we will discuss on the topic Concept of Management above Chapter 1st, Class 12, Nature and Significance of Management, Subject Business Study. Concept of Management means यहाँ पर क्या है, Management exactly क्या है, इसमें कह रहा है Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together with the aim of achievement of goals effectively and efficiently. कहने का मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करता है जिसके बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल पर्सन एक साथ इकट्ठा होता है एक टारगेट को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिवली एंड इफिशेंटली, इफेक्टिवली और इफिशेंटली एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक टास्क को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट इस तरह का टारगेट को डिजाइन करता है कि जिसके बेसिस पर जो भी इंडिविजुअल पर्सन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ साथ में वो एक उस ग्रुप एफर्ट्स को अचीव करें, उस टारगेट को अचीव करें जो कि टारगेट डिसाइड किया गया थ्रू द मैनेजमेंट. अब वो टारगेट कैसे अचीव कर रहा है इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. आगे कह रहा है दस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. कह रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जो मैनेजमेंट एक ऐसे प्रोसेस है जहां पर किसी भी काम को इफेक्टिवली और इफिशियंटली करने का तरीका तैयार किया जाता है, या कह सकते हैं कि इस वे में जाकर के हम चीजों को इफेक्टिवली और इफिशियंटली कलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हम जो टारगेट हमने डिसाइड किया है वो टारगेट हमारा अचीव हो सके. ठीक है, आगे कह रहा है प्रोसेस इफेक्टिवनेस और इफिशियंटनेस. अब प्रोसेस क्या है, इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं. ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे से डिफर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो वो हमारी प्रोसेस की कैटेगरी में आ जाएगा. इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स यहाँ पर क्या है, कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम. जो भी टाइमिंग गिवन की हुई है उस रिक्वायर्ड टाइम में उस टास्क को, उस वर्क को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो कॉल किया जाएगा हमारा कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क एट रिक्वायर्ड टाइम. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इफिशियंट. इफिशियंट कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट. जो भी हमने एक टास्क को कंप्लीट करना है उसके लिए कॉस्ट डिसाइड की होगी, उस कॉस्ट के अंदर ही हमें उस टास्क को कंप्लीट करना है. अगर ये सारी प्रोसेस प्रॉपरली मेंटेन की जाती है और मेंशन कंप्लीट की जाती है तो इट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है. अगर इसमें से कोई भी चीज़ में कमी आती है या कोई भी चीज़ वो छूटती है तो वहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी. ठीक है, अब कैसे हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटनेस कैसे डिसाइड करते हैं. सपोज दैट कि एक टारगेट डिसाइड किया गया 1000 यूनिट का. ठीक है, 1000 यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है और उसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था वो 2 आवर्स का दिया, और 2 मंथ्स का दिया गया था, और जो कॉस्ट दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 100 रुपीज़ दी गई थी किसी कम्योडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, 1000 यूनिट को प्रोडक्शन करना है, 2 मंथ्स में हमें प्रोडक्शन करना है और पर यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपीज़. ठीक है, ये हमारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट को डिफाइन करेगा. ठीक है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ हमारी प्रॉपर नहीं होती है, जैसे सपोज दैट जो टाइम ड्यूरेशन है वो टू आवर्स की जगह टू एंड हाफ आवर्स हो जाए. ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट जो है हमारी 100 की जगह 120 हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारी मैक्सिमाइज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या फिर यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है कॉस्ट भी हमारी मैक्सिमाइज हो रही होगी, बढ़ रही होगी. तो इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं हमारा जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटनेस खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पर मैनेजमेंट हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होगी. ठीक है, और अगर 1000 यूनिट 2 महीने के अंदर कंप्लीट होते और 100 रुपए के अंदर कॉस्ट में कंप्लीट होता है, इट मीन्स मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है, तो ये कहलाएगा हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस. अब हम बात करते हैं अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो पहला हमारा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ठीक है,
अगर कहीं पर भी कोई टारगेट नहीं है तो वहां पर मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट हमारा जो है वो एक तरह से पहले जब किसी भी उसमें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट डिसाइड करना होगा। ठीक है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर चीज़ों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट करेगा मैनेजमेंट, तो उसके बेसिस पर उस टारगेट को अचीव किया जाएगा। तो जो मैनेजमेंट है हमारा वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो एक गोल डिसाइड किया गया उस गोल को अचीवमेंट करना करना किसका काम है, वो मैनेजमेंट का काम है कि किस वे में जाकर के उस टारगेट को अचीव कर सके, उस गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मीन्स यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट जो है वो हर जगह लागू होने वाला फंक्शन है। ठीक है, चाहे वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी हो या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। सपोज दैट बिजनेस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, पहले हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के पहले हमने जो टास्क डिसाइड किया हो उसके बारे में हम पहले एनालाइज करेंगे, उसको फिर चीज़ों को अरेंज करेंगे, उसमें हम पूरी प्लानिंग तैयार करेंगे, प्लानिंग के बेसिस पर हम सारे रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, और रिसोर्सेज अरेंज करने के बेसिस पर हम उन सारी चीज़ों उसी बेसिस पर पर्सन को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करने के बेसिस पर हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद में हम उसको कंट्रोलिंग में लेकर जाएंगे अगर कोई भी चीज़ में अप एंड डाउन होती है। तो मैनेजमेंट एक तरह से हमारा इस तरह से का फंक्शन है कि जिसमें हमें हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके रखना है, और वो चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट हमारा हर जगह लागू होता है। हमारी अपनी डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि अगर हम एक अपनी लाइफ को पूरा एक सिस्टम में लेकर के नहीं चलेंगे, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइड नहीं करेंगे, हर चीज़ को प्रॉपर डिसाइड करके नहीं चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा। इसलिए हमने मैनेजमेंट को क्या कॉल किया, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। ठीक है, जो हमारा मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हमारा ऑल परवेसिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट का काम केवल प्लानिंग तैयार करना नहीं है, मैनेजमेंट का काम केवल चीज़ों को वो करना नहीं है, उसका काम है उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना भी है। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कराना भी है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, उसने केवल प्लानिंग तैयार कर दी और प्लानिंग तैयार करने के बाद में वो फ्री हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, एक टास्क एक जगह का काम कंप्लीट होगा वो दूसरे काम में इंगेज हो जाएगा, दूसरा काम कंप्लीट होगा तीसरे काम में इंगेज हो जाएगा। जब तक वो टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता उस टास्क में मैनेजमेंट प्रॉपरली इंगेज रहेगा। पहले वो उस चीज़ के लिए प्लानिंग तैयार करेगा, जब सारी प्लानिंग तैयार हो जाएगी उसके बाद में वो उन सारी चीज़ों को उन सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा जो रिसोर्सेज एक टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज सब उसने ऑर्गेनाइज कर लिए, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने के लिए अब उनको ऑपरेट करने के लिए क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, जब वो स्टाफ अपॉइंट कर लेंगे तो उनको प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, जब प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे तो अब ये फाइंड आउट करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है कि जो डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं टू द वर्कर्स टू द एम्प्लॉयज वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मीन्स यहाँ पर होता है कि उसका जो इंगेजमेंट है वो जो इंगेज होगा उसमें वो इस तरह से इंगेज होगा कि वो शुरू से लेकर के एंड तक प्रॉपरली इंगेज रहेगा। एक टास्क को जब से उसने प्लान किया होगा तब से प्लान करने से लेकर के उस टास्क को फुलफिल करने तक, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, अचीवमेंट उस जो भी टारगेट या टास्क डिसाइड किया हुआ अचीव नहीं हो जाता तब तक वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा। इसलिए वो क्या है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है कि हर एक जगह पर वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग या कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम कभी भी खत्म नहीं होता है। वो एक टास्क कंप्लीट होगा, एक काम कंप्लीट होगा, एक चीज उसने कंप्लीट की तो वो दूसरी चीज में इंगेज हो जाएगा। जैसा अभी मैंने इससे पहले वाले उसमें एग्जांपल दिया था कि मैनेजमेंट जैसे ही उसने प्लानिंग कंप्लीट की, प्लानिंग के बाद में वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क। वन टास्क को फुलफिलमेंट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन सारी चीज़ों को, उन सारे रिसोर्सेज को वो अरेंज करेगा। ठीक है,
और जब वो सारी रिसोर्सेज अरेंज कर लेगा तो वो रिसोर्सेज डायरेक्टली खुद से ऑपरेट तो नहीं करेगा, ना ही वो एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हो जाएंगे। उनको ऑपरेट करने के लिए कुछ ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी, उन ह्यूमंस को अपॉइंट करने के लिए उससे किसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन द स्टाफिंग प्रोसेस। जब स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा तो वो सभी चीज़ों को, सभी पर्सन को अपॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसमें उनको अपॉइंट करने के लिए इंगेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब उसका स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब फिर वो उसमें इन्वॉल्व होगा, किसमें, डायरेक्शन में। डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, डायरेक्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, वो बताएगा वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को कि किस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है जो कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। उस टारगेट को अचीव, अब उनके बेसिस पर उस उन सारी चीज इन सारे एक्टिविटीज के बेसिस पर वो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेगा कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या सारी चीज़ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टू द एंड टू कम्प्लीट कम्प्लीशन ऑफ द टास्क, तब तक कंटिन्यूसली वो एंगेज रहता है, और जहाँ पर एक टास्क कम्प्लीट हुआ वो दूसरे टास्क के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए उसको हमने कॉल किया है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक टास्क हमारा कंप्लीट होगा, मैनेजमेंट दूसरे टास्क के लिए प्लानिंग वगैरह तैयार करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। ये अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन किसी भी टास्क को फुलफिल नहीं करता है, ना ही एक टास्क को फुलफिल करने में केवल एक ही इंडिविजुअल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वहां पर अगर कई सारे डिपार्टमेंट है तो वो सारे डिपार्टमेंट इंगेज होंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं तो वो सारे नंबर ऑफ पर्सन, सुपरवाइजर भी इंगेज होगा, वर्कर्स भी इंगेज होंगे, मैनेजर भी इंगेज होगा, ये सारे लोग इंगेज होकर के तब एक टास्क को फुलफिल कर रहे होंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे इसमें सपोज दैट कि ए बी सी और डी, ये चार डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट अपना टास्क पूरा कंप्लीट कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, और फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है। अपने अपने बिहाफ पर वो सभी अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये बात की जाए अबाउट द ग्रुप एफर्ट्स की, इसमें से सपोज दैट ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टास्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द टास्क, अगर हमने जो टास्क डिसाइड किया, जो टारगेट डिसाइड किया, टारगेट के अचीवमेंट की बात आई, तो यहाँ पर हमारा जो सपोज दैट परचेज डिपार्टमेंट ने प्रॉपर वर्क नहीं किया या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो जो ग्रुप एफर्ट्स आएंगे बहुत पॉजिटिव ग्रुप एफर्ट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है एक इंडिविजुअल के टास्क में अपना, या फिर ये कह सकते हैं कि सब अपना अपना इंडिविजुअली तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया हमारा, जो टारगेट अचीवमेंट का रिजल्ट आया, वो टारगेट अचीवमेंट का रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं किया, उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट जो है हमारा वो ग्रुप एक्टिविटीज में है। जब सारे ग्रुप्स मिलकर के प्रॉपर परफॉर्म कर रहे होंगे तभी हमारी वो टास्क इफेक्टिवली और इफिशेंटली कंप्लीट होगा, अदरवाइज इफेक्टिवली और इफिशेंटली कंप्लीट नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। अब मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे है? हाउ द मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। जब हम मैनेजमेंट वर्क करता है तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। हमारा जो बिजनेस है वो एक डायनेमिक नेचर का बिजनेस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। वो चेंजेस के बहुत सारे रीजन्स बन सकते हैं हमारे, ड्यू टू द चेंज इन द टेक्निक्स, ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, सो मेनी रीजन्स आर देयर, ड्यू टू द गवर्नमेंट इशूज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट होता रहता है, बिजनेस इफेक्टेड होता रहता है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। वो डायनेमिक एनवायरमेंट में भी अपने आप को इस तरह से प्रॉपर मैनेज करके रखता है कि वो सारी चीज़ें उस डायनेमिक एनवायरमेंट में भी प्रॉपर वर्क करती रहें, जितना भी एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें वो प्रॉपर वर्क करते रहें। जो भी चीज़ें परफॉर्म की गई, जो भी टास्क परफॉर्म किया गया, वो उस डायनेमिक एनवायरमेंट में भी प्रॉपरली वर्क करता रहे, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या किया गया, कॉल किया गया, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। कि अगर कोई भी किसी भी रीजन से चेंज आ रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो रीजन्स को कंप्लीट कर सके, ठीक है।
क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट जो वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट जो परफॉर्म कर रहा है, वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि वहां पर उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि मैनेजमेंट क्या क्या है, वो इंटेंजिबल है। ठीक है, इंटेंजिबल होने के बेसिस पर वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब टास्क परफॉर्म हो रही होगी, काम कंप्लीट हो रहा होगा, काम चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट का वर्क नजर आएगा, क्योंकि वो काम करता हुआ वो लगेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको इंटेंजिबल फोर्स कॉल किया गया है।